जय झारखंड मजदूर समाज द्वारा बीएसएफ प्लांट के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इसी के साथ जुलूस भी निकाला गया। इस जुलूस में हजार कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें उनका कहना है कि बीएसएल में कोई मुखिया नहीं होने के कारण हालात अच्छे नहीं है। जय झारखंड मजदूर समाज द्वारा बीएसएल प्लांट के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। ये जुलूस बोकारो के नया मोड़ से एडीएम बिल्डिंग तक चला और इस जुलूस में 1000 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनका कहना है कि बीएसएल प्लांट में 10 महीने से कोई भी मुखिया नहीं रहने के कारण हालात अच्छे नहीं है। कोरोना काल में भी प्रबंधन द्वारा जो टास्क दिया गया उनको पूरा किया गया, लेकिन मजदूरों को इंटेंसिव रिवार्ड घटते गया। मजदूरों ने कहा कि अगर 30,000 से कम बोनस मिलता है और ठेकेदार मजदूरों को काम से निकालने पर रोक नहीं लगाया जाता है तो जय झारखंड मजदूर समाज द्वारा बीएसएल प्लांट का चिमनी जाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या है ये कार्यक्रम? यह कार्यक्रम है इस्पात कर्मियों, ठेकेदार मजदूरों के हक अधिकार और मान सम्मान के लड़ाई का। यह जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से बोकारो में आए नए डायरेक्टर इंचार्ज के नाम खुला संदेश है, और वह भी संदेश पत्र के माध्यम से था, पंपलेट के माध्यम से दिया था, और आज जुलूस प्रदर्शन बिरसा चौक नया मोड़ से चल के एडीएम बिल्डिंग पर आकर के हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर 10 महीना से कोई भी बोकारो स्टील प्लांट का कोई मुखिया नहीं रहने के कारण हालात और भी बद से बदतर हो गया है। कोरोना काल में भी प्रबंधन द्वारा जो टारगेट दिया गया प्रोडक्शन का उसको पूरा किया गया, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इंसेंटिव रिवार्ड घटते चला गया। एनजीएसएस में जाने वाले जो नेता हैं, मजदूरों ने उनको चुना नहीं है, यहाँ कभी यूनियन का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन वह भी आज कुमकंदी निद्रा में सोया हुआ है। हम लोग 10 तारीख को डायरेक्टर इंचार्ज के वार्ता में हम बोले थे कि अगर 30,000 से कम बोनस मिलता है और अगर इंसेंटिव रिवार्ड बढ़ोतरी नहीं होता है, ठेकेदार मजदूरों को काम से निकालने पर रोक नहीं लगाया जाता है, नरक सेवा को अगर नगर सेवा नहीं बनाया जाता है, तो आने वाले समय में जय झारखंड मजदूर समाज जिस तरह 2017 और 2015 में चिमनी का धुआं बंद किया था, उसी तरह जरूरत पड़ने पर अभी भी चिमनी का धुआं बंद हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सेक्टर की हालत, क्वार्टर का हालत, स्ट्रीट का हालत, रोड का हालत, बिजली का हालत, पानी का हालत बस से बदतर हो गया है। यहाँ बिजली जो है दिन में 8-10 बार कटता है। स्ट्रीट रोड में जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें कि चलना, पैदल चलना मुश्किल है। इन सारों बातों की समस्या है। हम लोग इस खुला जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से जो डायरेक्टर इंचार्ज को संदेश दे रहे हैं, वह संदेश यही है कि जल्द से जल्द आप जो भी समस्या, चाहे नगर का समस्या हो चाहे प्लांट का समस्या है, इस समस्या का समाधान करें। नहीं तो अगर तत्कालीन प्रबंध निदेशक एस पांडे साहब जिस तरह से एनजीएसएस नेताओं के भरोसे एकदम मोस्ट पर तौ देता था कि या लोकल यूनियन बीके चौधरी क्या कर लेगा, साउथ सन गोप क्या कर लेगा, तो इस तरह से उनको बहुत बड़ा हड़ताल का सामना करना पड़ा था। हम फिर यही सही संदेश देना चाहते हैं डायरेक्टर इंचार्ज को कि एनजीएसएस का नेता आपका प्लांट नहीं बचा सकता है। चुमना चमनी का धुआं अगर निकलना है तो लोकल यूनियन के साथ सम्मानजनक आप बात कीजिए, व्यवहार कीजिए, और साथ साथ जो समस्या हमने पिछले महीने 15 तारीख को 21 सूत्री मांग पत्र इसी तरह से आक्रोश प्रदर्शन ईडी वर्क्स कार्यालय प्लांट में हम लोग गोल चक्कर से किए थे, उसमें हम लोग मांग पत्र में सारे 21 सूत्री मांग पत्र दिया हुआ है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द डायरेक्टर इंचार्ज अपने नेतृत्व में सारी मांगों पर अपना सफाई दे, उनकी क्या कार्य योजना है उस पर बात करें, अन्यथा आने वाले समय में डायरेक्टर इंचार्ज महोदय को बहुत यहाँ महंगा पड़ सकता है। यहाँ का मजदूर कोरोना में भी जान हथेली पर लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का काम किया है, इसलिए इस्पात कर्मी हो चाहे ठेकेदार मजदूर हो, अपने हक अधिकार पाने का 100% अधिकार है, हकदार है, इसलिए उसका हक को दिया जाए, इसलिए यह कार्यक्रम आज किए थे। धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।